Piace vedere che quello che ti muove, ma non amare in tredesi. Mi rende che amare in mani mia sansa, si man, la dentrici. Gosti che se ne vede, si man, sanjivji. Ore savagre me, desh che vede che stanno se, parare voi amare, rate a per bandhu, आदरणीय बहनों, इस विश्वविद्यालय ने मेरे को आमंत्रित किया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के एक गोष्ठी चर्चा यहाँ पर आयोजित है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम सारे देश भर में एक विशिष्ट नाम करके जाना जाता है, ये हम जानते हैं। सारे दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हो गए जिन्होंने समय समय पर अपने अपने स्थानों पर मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए एक मनुष्य के बड़े वर्ग के कष्टों को ध्यान में रखकर बड़ा संघर्ष किया। समाज में योग्य परिवर्तन की दिशा निर्धारित की और वे लोग जो समाज में किसी भी कारण से पिछड़ गए, समाज में वंचित हो गए, समाज में उचित सम्मान नहीं पाते थे, उनके लिए संघर्ष किया डॉक्टर अम्बेडकर जी। ऐसे ही सर्वविख्यात व्यक्तित्व में से एक है, क्योंकि हमारे सारे देश भर में उनके नाम को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं होती है। अलग अलग एंगल से लोग उनको देखते हैं, अलग अलग प्रकार से लोग उनके बारे में व्याख्या करते हैं। कई बार अपने अपने उद्देश्यों की खातिर लोग उनको अपने प्रकार से देखते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को हम लोग समग्रता से देखें, समग्रता से उनके जीवन का अध्ययन करें, समग्रता से उनके विचारों को अनुभव करें। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी समग्रता में ही उसका आकलन संभव हो सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अम्बेडकर जी को एक ईश्वर की तरह, भगवान की तरह, अवतार की तरह मानते हैं, उसके पीछे उनके तर्क है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे अनुसूचित वर्ग के वे मसीहा थे, अनुसूचित वर्ग के नेता थे। कुछ लोग ऐसे है जो उनको अनुसूचित वर्ग का नेता नहीं मानते, कहते नहीं एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। कुछ लोगों का मानना है गांधी जी के विरोधी थे, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि गांधी जी और उनके दोनों के उद्देश्य तो एक ही थे, एक ही उद्देश्य के लिए दोनों लोग संघर्षरत थे। कुछ लोग उनको मार्क्सवादी मानते हैं और ये मानते हैं कि उनका वर्ग संघर्ष में विश्वास था, लेकिन अम्बेडकर जी ने सदैव मार्क्सवाद की आलोचना की है और उन्होंने क्लास स्ट्रगल को कभी कोई प्रश्रय नहीं दिया। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि सवर्णों के तथा कथित उच्च वर्ग के विरोधी थे। अम्बेडकर जी ने किसी भी वर्ग की आलोचना अपने जीवन में कभी नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में आए ऐसे लोग जो संभवतया तथा कथित उच्च वर्ण के थे, उनके जीवन में सहयोगी सिद्ध हुए, उनकी प्रशंसा की है। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म के विरोधी थे। अम्बेडकर ने अपने जीवन में धर्म के महत्व को बहुत अच्छे प्रकार से रेखांकित किया है। इस प्रकार से देखते हैं तो कोई एक आधा पक्ष देखकर लोग अपना मन बना लेते हैं। आवश्यक
आवश्यकता इस बात की है कि क्या हम डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन को समग्रता में देखते हैं। अंबेडकर जी के जीवन के सभी आयामों को हम लोग छोटा मोटा ही क्यों न हो, संक्षिप्त में ही क्यों न हो, जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो समग्रता में जानकर उनका ठीक उचित मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं। मौलिक रूप से देखा जाए तो वे एक अर्थशास्त्री थे, क्योंकि उन्होंने विदेश में रह करके जो डिग्री प्राप्त की, सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना स्नातकोत्तर और अपना शोध प्रबंध, वे एमए और पीएचडी उनका तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से था, अर्थशास्त्र नहीं था। बाद में उन्होंने जो इंग्लैंड से लंदन से वहां से जो डिग्री प्राप्त करी एमएससी की और डीएससी की, वो दोनों डिग्री भी उनकी अर्थशास्त्र की थी। उन्होंने बैरेट लॉ भी किया, और इस प्रकार से हम देखते हैं तो उनका जो मौलिक अध्ययन है वो अर्थशास्त्र और संविधान विधान विधि इसके ऊपर अधिक है। अर्थशास्त्र के ऊपर अपने शोध प्रबंधों में उन्होंने कई प्रकार के विषय उठाए थे। जो सबसे पहले उन्होंने अपना थीसिस सबमिट किया उसका विषय था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंसेस कैसे है इसके ऊपर उनका बड़ा विषय था। बाद में शोध प्रबंध में भी उन्होंने जो अपना पीएचडी और डीएससी की डिग्री की वो भी इकोनॉमिक्स के ऊपर ही थे। उनकी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो थीसिस सबमिट हुई उनको बाद में शोध पर उनको पीएचडी मिला, नेशनल डिविडेंड हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी वो भी इकोनॉमिक्स का ही विषय था। जो उनकी डिग्री थी पीएचडी का थीसिस था उसके ऊपर बड़े बड़े जो उन दिनों के अर्थशास्त्री थे उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे और मैं कहा बिल्कुल रेडिकल ये एक अर्थशास्त्र का थीसिस है। मौलिक रूप से अनेक लोग जो बड़े स्थापित अर्थशास्त्री थे उनके सिद्धांतों को नकारते हुए अंबेडकर जी ने अपना थीसिस प्रोड्यूस किया था। जो एडविन आरे सेलिगमैन है वो बड़े अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था अंबेडकर जी के थीसिस का। उन्होंने भी कहा जो अंबेडकर का ये थीसिस का वैल्यू है ये बहुत अधिक है और दुनिया में अपने आप में अनोखा और अनूठा है। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर उन्होंने बड़ा शोध प्रबंध लिखा, भारत में स्मॉल जो होल्डिंग्स हैं एग्रीकल्चर लैंड का इसके ऊपर उनका बड़ा काम था। भारत को कैसे हम कृषि के भार से मुक्त कर सकते कम कर सकते, तो भारत के जो पॉपुलेशन का जो सारा का सारा जोर है जो कृषि के ऊपर है इसको कम किए बिना इस देश का काम नहीं चलेगा। लगभग 100 वर्ष पूर्व का उनका थीसिस है जिसको आज भी हम लोग समझ सकते। मेरा कहने का भाव यह है मौलिक रूप से वे अर्थशास्त्री थे, लेकिन दुर्भाग्य क्या है देश के किसी भी विश्वविद्यालय में अगर एक ढूंढा जाए कि उनके सारे ग्रंथ जो अर्थशास्त्र पर थे उपलब्ध है तो मुश्किल लगता है कहां मिलेंगे। उन शोध प्रबंधों के ऊपर आगे के शोध हुए क्या तो भी बड़ा कठिनाई से ध्यान में आता है कुछ हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं। ये दर्शाता है कि व्यक्ति के बारे में हम लोग गहराई से क्या चिंतन किए हैं। मैंने एक बात आपको बताया वे इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन ऐसा नहीं है वे केवल इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वे अच्छे सोशियोलॉजिस्ट थे, वे अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वे अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, वे अनेक पत्रों के संपादक जर्नलिस्ट थे, वे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स के अथॉरिटी थे, वो अच्छे पॉलिसी मेकर्स थे, वे बहुत अच्छे लेबर लीडर थे, वे लेबर मिनिस्टर थे, वो अच्छे बैरिस्टर थे, वो सोशल रिफॉर्मर थे, अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के एक्सपर्ट थे, फाइन ओरेटर थे। और संक्षेप में कहा जाए तो आई वाज नॉट ही वाज, वो अथॉरिटी थे बहुत सारे विषयों पर, फॉरेन पॉलिसीज के भी एक्सपर्ट थे। और इसलिए कभी कभी एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं आ जाती हैं, लेकिन नियति उसको सभी पर चलने की अनुमति नहीं देती। और ये इतने विषयों के जानकार है इसके बावजूद भी
उनको जीवन में कुछ विशेष काम नियत थे, वही उन्होंने आगे बढ़ करके किए। हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान में आता है कुछ विशेष कामों में वे आगे बढ़ते चले गए। नियति ने उनको कुछ विशेष काम संभाल करके दिए। एक डॉक्टर जॉनसन है, बड़े अच्छे राइटर है, वे लिखते हैं नियति कभी कभी व्यक्ति की अनेक क्षमताओं में से किसी एक को चुन लेती है। द ट्रू जीनियस इज ए माइंड ऑफ लार्ज जनरल पावर्स accidentally determined to some particular direction, ready for all things, but chosen by circumstances for one. उस genius personality के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, लेकिन chosen by circumstances for one, तो इसे हम जानते हैं संविधान निर्माता social reformers, उस श्रेणी में आ गए। तो social reformers की जो श्रेणी है, संविधान निर्माताओं का जो समूह है उसमें हम उनको गिनते हैं। लोकमान्य तिलक हम जानते हैं गणित के बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य और संगीत और कविताओं के बड़े अच्छे और रुचि वाले व्यक्ति थे। स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद भी गणित के और विज्ञान के अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन रुचि होने के बाद भी इन लोगों को अपने रुचि के विषय पर काम करने का समय नहीं मिला। लोकमान्य तिलक ने गणित में काम नहीं किया, अटल जी ने साहित्य लेखन पर समय नहीं दिया, स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद ने विज्ञान और गणित पर बहुत कम काम किया। चूजन बाई सर्कमस्टेंसेस फॉर वन ओनली, नियति किसी एक रात और बात के लिए उस व्यक्ति का चुनाव कर लेती है। अंबेडकर जी के साथ भी यही हुआ, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि सामाजिक और सुधार इस काम के लिए मैंने अपने को तय किया। जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को नहीं बताता, लेकिन एक छोटी घटना को बताता हूं जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दे दी। विदेश से पढ़ाई करके वापस आए थे और बड़ौदा राज्य में नौकरी मिल गई, लेकिन रहने को मकान नहीं मिलता। जहां भी जाते हैं लोग पूछते हैं कौन जाति के हैं, जाति के बाद मकान नहीं मिलता, और अंत में एक पारसी होटल में धर्मशाला में उनको एक कमरा मिल गया। और कमरा भी ऐसे मिल गया कि उन्होंने अपना नाम पारसी बता दिया, झूठा नाम बताया तो कमरा मिल गया। आदित्य सोराब जी ऐसा कुछ नाम उन्होंने बता दिया, बाद में लोगों को पता लग गया नहीं ये तो महार जाति का बालक है और नाम बदल करके पारसी और धर्मशाला में रहता है। लोग आ गए, उस पारसी धर्मशाला के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। उसके मालिक को और लोगों ने कहा इसको बाहर निकालो, नहीं तो आपके धर्मशाला में हम लोग नहीं ठहरेंगे। उस पारसी धर्मशाला के मालिक ने उनको अल्टीमेटम दे दिया, आप तुरंत बता कमरा छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा मैं रात को रुक जाता हूं, उस समय निकल जाऊंगा, सुबह देखूंगा कहीं स्थान मिलेगा। लेकिन मित्रों एक आश्चर्यजनक सत्य है कि उनको रात को ही कमरे के बाहर जाना पड़ा। उस पारसी धर्मशाला के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना बक्सा लेकर के डॉक्टर साहब बैठे रहे, सारी रात बीत गई। और सोचते हैं कि मैं दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय से अध्ययन करके तो आ गया, लेकिन रहने को तो मकान नहीं मिलता, समाज में सम्मान तो नहीं मिलता, और ऐसे समाज में इतनी बड़ी डिग्री का भी क्या अर्थ है, क्या इसकी कीमत है। वहां रात्रि बैठे बैठे मन में संकल्प आ गया कि मैं अब इस समाज के वर्तमान दृश्य को बदलने के लिए प्रयत्न करूंगा। अब ये जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं है, अब ये जीवन अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठाओं को अर्जित करने के लिए नहीं है, ये जीवन इस सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए ही लगेगा। एक पक्का कमिटमेंट जो जीवन में बैठ गया, ऐसा अंबेडकर जी कहते हैं, उस रात्रि को मैं रात भर विचार ही करता रहा क्या करूं जीवन में। मेरे ध्यान में आ गया ये जीवन अब इसी काम में लगना चाहिए। बंधुओं वे सांसद हो चाहे मिनिस्टर हो, चाहे संविधान समिति सभा में वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो, मन में एक ही उद्देश्य जीवन पर काम करता है, दूसरा नहीं। और से सामाजिक व्यवस्था को बदल देना है, ये बात उनके मन में गहरी बैठ गई। उन्होंने दुनिया के ऐसे बातों का अध्ययन नहीं किया जहां ना ऐसी डिसिमिलरिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन था, जहां बड़ी बड़ी सामाजिक एट्रोसिटीज थी। उन्होंने अपने सामाजिक
सामाजिक व्यवस्था को कैसे बदला, तो उनको ध्यान में आया अमेरिका में भी ऐसा था और उन्होंने अपने सामाजिक व्यवस्था को बदला। काले लोगों ने संघर्ष किया लेकिन उसमें 6.5 लाख लोग अकेले अमेरिका सेना के मर गए। सब मिलाकर के 13 लाख से अधिक लोग मारे गए। तो अमेरिका में कुछ सामाजिक समता संवैधानिक रूप से प्राप्त हुई। ये बड़ा भारी हिंसा और बलिदान का ऐसा दृश्य दिखता है। फ्रांस की क्रांति जो हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें मरने वालों की संख्या भी 40,000 से अधिक थी। जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसमें मरने वालों की संख्या फर्स्ट फेज में लेनिन के सामने 60 लाख थी, स्टालिन के सामने मरने वाले लोग 3.5 करोड़ थे। चाइना का रेवोल्यूशन हालांकि उनके सारे संकल्प के बहुत बाद में आता है लेकिन वह भी मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी। अम्बेडकर ने कहा नहीं, भारत का दृश्य ऐसी हिंसा की अनुमति नहीं देता। भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की आध्यात्मिक धार्मिक व्यवस्था, यहाँ के लोगों का सोच और चिंतन और परंपरा ऐसी हिंसक और क्रांतियों में विश्वास नहीं करता। न्याय तो चाहिए लेकिन न्याय का रूप यह नहीं हो सकता जो रूस में, अमेरिका में, चाइना में या अन्य देशों में हुआ है। मैं इसको पसंद नहीं करता। और ये मौलिक बात को ध्यान में रखना है, अम्बेडकर एक सोशल रिफॉर्मर है, अम्बेडकर सोशल जस्टिस चाहते हैं। बट नॉट ऑन द लाइंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, नीदर ऑन द लाइंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन और ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। नो, एक बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस इसलिए है, वे बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं। बुद्ध भी कहते हैं नहीं, सामाजिक परिवर्तन तो होना ही चाहिए लेकिन नहीं वैरे न वैरानी संबंती खुदातम। वैर से वैर समाप्त नहीं होता, हिंसा से कोई स्थायी मन का परिवर्तन तो नहीं हो सकता। नहीं वैरे न वैरानी, वैर से वैर नहीं, ये ध्यान में रखने की बात है। और इसे हमने कभी क्षमा और धैर्य ये धर्म के दो मौलिक तत्व है जो उन्होंने मन में ध्यान में रखे। मैं धर्म का सम्मान करता हूं। धर्म जो है सारे देश की सामाजिक आर्थिक न्यायिक व्यवस्थाओं का मूल है। मनुष्य की सारी चेतनाओं का मूल धर्म है। और इसे बुद्ध से और प्रेरणा पाते हुए वे धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्षमा और धैर्य, हाँ परिवर्तन तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का मूल कहां है? ये धैर्य और क्षमा में है। ये मनो के परिवर्तन में है, हिंसा में नहीं। बंधु 1927 महाड़ का एक सत्याग्रह था। एक बड़े तालाब से पानी पीने का प्रश्न था। नगर पालिका ने कहा आप पानी पी सकते हैं, वहां के समाज के बंधुओं ने कहा पानी नहीं पी सकते। सत्याग्रह करने के लिए आते हैं, हर साल सत्याग्रह होता है। और एक बार ऐसा हो गया, सत्याग्रह करने वाले हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर साहब के नेतृत्व में आए। फिर सत्याग्रह करने गए, वापस लौटे, वो जहां का भोजन भरा था 5,000 लोगों का, और सत्याग्रह के विरोधी लोगों ने वो सारे भोजन में मिट्टी डाल दिया। 5,000 भूखे लोग थे और सारे महाराष्ट्र के दूर दूर स्थानों से आए थे। अम्बेडकर जी ने देखा ये क्या कर दिया, सबको बैठा करके कहा ये बात सच है, तुम्हारे भोजन में यहाँ के लोगों ने मिट्टी डाल दिया है और तुम लोग ताकतवर लोग भी हो, तुम लोग अच्छी लड़ाई लड़ सकते हो लेकिन हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं। अपने मन में धैर्य रखो, मन में क्षमा रखो, मन में शांति रखो और किसी भी प्रकार से यहाँ कोई हिंसा, कोई प्रदर्शन, कोई नारा नहीं लगाना। चुपचाप अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। एक मन का भाव है, वो महार का तालाब आते पानी तो पीना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं, कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, एक वर्ष नहीं दो वर्ष में मिलेगा, 4 वर्ष बाद मिलेगा, लेकिन धैर्य और क्षमा। ये ना भगवान बुद्ध ने किया, आज ही ये परिवर्तन हो जाएगा ये नहीं होगा। जो लोग पानी पीने नहीं देते उनके प्रति हिंसा अपनाकर ये नहीं होगा, उन्होंने हमारे खाने में मिट्टी डाला हमने उनके घर को आग लगा दिया, इससे नहीं। नहीं वेरे न वैरानी संबंती घर को दाचरण, ये अंतर है। ये रशियन रेवोल्यूशनिस्ट जो है या जो चाइनीज जो रेवोल्यूशनरीज है, जो अमेरिका में जो काले लोग आंदोलन करके अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, उससे एक भिन्न
प्रक्रिया में अम्बेडकर चलते हैं। इस सोशल रिफॉर्मर की इन बातों को अपने को हमेशा ध्यान में रखना है। अम्बेडकर आगे कहते हैं, अकेले अकेले नहीं, मान लो अनुसूचित वर्ग है, हमारा पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके अधिकार प्राप्त करने के लिए भी लोग संघर्ष करेंगे नहीं, और इसलिए इनके आंदोलन में सब लोग आते थे, बड़ी संख्या में तनाव करते, ब्राह्मण है, सवर्ण है, अन्य लोग है, मराठा, सब लोग आते थे, चित्रे साहब आते थे, सहेंद्र बुद्धे इनके मित्र थे, चिटनीस थे इनके मित्र थे, आंदोलन में साथ थे, तो ये क्लास स्ट्रगल नहीं, तो समूह में डिवीजन करके नहीं। अगर आपको लगता है मेरी मांग मुझे थे तो मेरी मांग के साथ आप आ जाइए। और आश्चर्य की बात ये थी, अंबेडकर जी के आंदोलन में सभी वर्गों के लोग मिलकर आंदोलन करते थे, बेसिक डिफरेंस है। हाँ, अधिकार इन लोगों के लिए है, इन लोगों के अधिकार के लिए आप लोग भी तो आइए, और मेरे बात ही थे। और ये किसी भी प्रकार के वर्ग संघर्ष के बाद सामाजिक सुधार, इसमें उनका विश्वास नहीं था। अंबेडकर जी ने कहा है कि सामाजिक सुधार तो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो लोगों की बदलनी है। ये अस्पृश्यता जो है, सामाजिक भेदभाव है, ये अनुसूचित वर्ग या पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग जो अस्पृश्य है, ये उसकी समस्या नहीं है, ये समस्या उन लोगों की है जिनके मन में विराजमान है। ये तथाकथित जो बड़े वर्गों के लोग हैं, इनके मन की समस्या है, इनके मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, ये उनके मन में कुछ बैठा है, मस्तिष्क में कुछ बैठा है, उसको बदलना है, और ये आसान काम नहीं है। और से एक तरफ ये वंचित वर्ग, उपेक्षित वर्ग, अपमानित, पुरस्कृत वर्ग, इसको मंच देते हैं, इसको वाणी देते हैं, इसको शक्ति देते हैं, इसको आत्मविश्वास जगाते हैं, इसको हिम्मत बढ़ाते हैं, दूसरे उस वर्ग का मन बदलते हैं, मस्तिष्क बदलने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कहते कठिन काम है, ये पॉलिटिकल रिफॉर्मर होता है, ये सामाजिक सुधारक होता है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ता है, आंदोलन करता है, उसके गले में माला डाल के आप भेज देते हैं, वो जेल जाता है, जेल से लौटता है, स्वागत होता है। तो एक राजनीतिक सुधारक जो है, अर्थात एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर है, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, एक राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ रहा है, इसको प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन जो सोशल रिफॉर्मर है, इसको तो घर में भी अपमान मिलता है। महादेव गोविंद रानाडे बहुत योग्य ऐसे समाज सुधारक थे, उनकी पत्नी गुजर गई, तो समाज सुधारक होने के नाते वो कहते थे विधवा लड़कियां, इनका विवाह होना चाहिए, वे चाहते थे मैं दूसरा विवाह करूं, एक विधवा बालिका से मैं विवाह कर लूं। उनके घर के लोगों ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना, विधवा लड़की से शादी करना हमारे घर में नहीं चलेगा। तो महादेव गोविंद रानाडे जैसा पक्का मजबूत सोशल रिफॉर्मर विधवा लड़की शादी नहीं कर सका। ये लड़ाई एक सोशल रिफॉर्मर को लड़नी पड़ती है। जो व्यक्ति समाज सुधार के लिए आगे बढ़ता है, महात्मा फुले ने कहा लड़कियों को पढ़ना चाहिए, समाज कहता था लड़कियों को नहीं पढ़ना, तो महात्मा फुले अपनी पत्नी को पढ़ाकर इसको लड़कियों को पढ़ाने को भेजते थे। तो सावित्री बाई फुले जो महात्मा फुले की पत्नी है, इसको लोग गाली देते हैं, इसको मिट्टी फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। एक सोशल रिफॉर्मर है, उसको सहन करना पड़ता है। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा मैं हरजन है, वंचित है, उपेक्षित है, इन सबको मंत्र दीक्षा दूंगा, और काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट से द्वार से लेकर दशाश्वमेध घाट तक का एक 3.5 किलोमीटर का हिस्सा हजारों लोगों के साथ चले। जैसे मालवीय जी लोगों के साथ निकले, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए जा रहे, स्थान स्थान पर रोक करके इनके मार्ग में बाधा डालने वाले काशी के पंडित लोग थे। आपको आश्चर्य होगा, 3 किलोमीटर की यात्रा चलने में मालवीय जी को 6.5 घंटा लगा। अरे मालवीय जी, आपको बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नरक में जाएंगे, क्या कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत कार्य नहीं है, मत करिए। एक और मालवीय जी की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, लेकिन समाज की रूढ़ी और गहरी है। मालवीय जी इस रूढ़ी को तोड़ना चाहते हैं, इन बंधुओं को मंत्र दीक्षा देना चाहते हैं, गंगा स्नान करके बैठेंगे, एक एक व्यक्ति राम नामी ओढ़ करके आएगा, मैं मंत्र दीक्षा दूंगा। बंधुओं,
लोगों ने कहा आपको पाप लगेगा, आप नरक में जाएंगे। महाराज जी ने कहा मैं तैयार हूं, मैं पाप के लिए भी तैयार हूं, नरक में जाने को भी तैयार हूं, मेरे को अनुमति दीजिए, जाने दीजिए। आज जोर करके निकलते निकलते रास्ते को सारी 6 घंटा लगा। अंबेडकर कहते हैं सोशल रिफॉर्मर को अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, सोशल रिफॉर्मर को सम्मान नहीं मिलता, उसको घर में भी तिरस्कार मिलता है, बाहर भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए सोशल रिफॉर्मर का काम बहुत कठिन है। फिर एक और विभाजन करते, क्रांतिकारी या समाज सुधारक। वो कहते नहीं, क्रांतिकारी नहीं, समाज सुधारक। जो रिवोल्यूशनरी है वो जड़ से उखाड़ करके फेंकता है, सारी व्यवस्थाओं को तोड़ता है, नई व्यवस्थाएं उत्पन्न करता है। अंबेडकर कहते नहीं, पुरानी सब बातें नहीं तोड़नी, पुरानी बातें बहुत अच्छी हैं, उसको रहने दो। बुद्ध का दर्शन बहुत अच्छा है, महावीर का दर्शन अच्छा है, उपनिषदों का दर्शन अच्छा है, वेदों के मंत्र अच्छे हैं, व्यवहार खराब है, आचरण दूषित हो गया, हम मूल दर्शन से दूर हट गए, कर्मकांड में फंस गए। इसलिए क्रांतिकारी सब कुछ उखाड़ता है, जो सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक है वो मौलिक दर्शन को संभाल कर सजो कर रखता है, एक नई रचना उस जड़ के ऊपर आधार के ऊपर खड़ी करता है। अंबेडकर साहब कहते हैं हमारा कार्य समाज सुधार का है, ये क्रांतिकारियों की तरह नहीं। और इसलिए एक मौलिक अंतर जो इस देश में समता ममता प्रेम करुणा श्रद्धा त्याग समान नहीं, सबका दर्शन है, वो नया नहीं आना। उपनिषद और वेद और बुद्ध नानक सब यही बात कहते चले आ रहे हैं, एक मौलिक बात हो गई। इसे मौलिक दर्शन को संभाल करके रखना, उस पर एक नया निर्माण करना, तो एक और राजनीतिक नेता, दूसरी ओर क्रांतिकारी, इन तीनों में समाज सुधारक कौन भूमिका निर्वाह करता है, इसका अंबेडकर जी ने बहुत अच्छे प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के सामने वर्णन किया है। आगे बोलते हैं समाज सुधार का जो मौलिक आधार है वो धर्म है। सारे सद्गुणों की जो वृत्तियां हैं इनका मूल धर्म है, धर्म से प्रेरणा पाकर के ये मूल वृत्तियां प्रकट होती हैं। तो जितने भी मनुष्य के अंदर सद्गुण हो सकते हैं वे धर्म से ही आते हैं। लेकिन आगे स्पष्ट करते हैं धर्म का अर्थ मंदिर मूर्ति पूजा तीर्थ तीर्थ यात्रा ग्रंथ प्रवचन कथा कीर्तन परिक्रमाएं ये नहीं है, ये बाह्य रूप है। जैसे पक्षी पिंजरे में रहता है, जो पिंजरा है, जैसे विद्यालय है, विद्यालय का भवन है, विद्यालय का भवन और विद्या दोनों में अंतर है, पिंजरा और पक्षी में अंतर है, शरीर और आत्मा में अंतर है, आत्मा धर्म है, कर्म कांड बाह्य रूप है। अंबेडकर कहते हैं मैं कर्म कांड नहीं चाहता, धर्म के मौलिक तत्वों को चाहता हूं। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों को उत्पन्न करता है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों का संरक्षण करता है, उनका विकास करता है, और जीवन में जो भी उदात्त गुण आ सकते हैं वे धर्म से ही आते हैं। हाँ ये बात सच है, कर्मकांड इसलिए होता है कि ये धर्म के मौलिक तत्व अगली पीढ़ी में लाए जाए, लेकिन वो लाने में सफल नहीं है, उन कर्मकांडों की कोई आवश्यकता नहीं है, वे सब निरर्थक है। और इसलिए अंबेडकर जी अपने सारे जीवन में 3 महापुरुषों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। ये स्पष्ट कहते हैं मेरी प्रेरणा का आधार कार्ल मार्क्स या लेनिन या फ्रेंच रेवोल्यूशन या अब्राहम लिंकन ये लोग नहीं है, मैंने अपनी जो प्रेरणा है आंदोलन की ये उनसे प्राप्त नहीं किया। जब अंबेडकर जी कहते लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी और लोग कहते थे ये बात अगर हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली है, नहीं 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 मैंने महात्मा बुद्ध से ली है, द लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी ये तीनों बात है मैंने अपने गुरु महात्मा बुद्ध से ली है। और जब मैंने अपने जीवन में 3 गुरुओं को माना, पहले गुरु है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनकी करुणा उनका प्रेम उनकी अहिंसा उनका परिग्रह उनके जो जो सद्गुण हो सकते थे क्यों उसमें बुद्ध ने बगावत की, बुद्ध ने क्रांति की, बुद्ध ने परिवर्तन लाया।
समाज कष्ट में था, कर्मकांड बहुत थे, अस्पष्टता तो नहीं थी, लेकिन छोटा बड़ा ऊंच और नीच महंगे लंबे कर्मकांड प्रसिद्ध हो गए। बुद्ध ने नया दर्शन दिया, बुद्ध ने मौलिक दर्शन को पक्का रखा, व्यवस्थाएं नहीं दी और किसी से हिंसा किए बिना, किसी को खराब बोले बिना बुद्ध ने एक ऐसा स्वरूप समाज में, एक ऐसा दर्शन और ऐसा एक रीति नीति दी, वो सस्ती थी, सुलभ थी, सर्वजन मान्य थी, और इसलिए बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का व्यवहार सारे दुनिया में चला गया। बुद्ध मेरे प्रथम गुरु है, वे कहते मेरे दूसरे गुरु कबीर है। जैसे निर्वैर युद्ध बुद्ध ने लड़ा, बुद्ध का कोई शत्रु नहीं है, बुद्ध अपने से विरोधी बड़े बड़े क्रूर लोगों को मित्र मानता है। वो कथाएं हमने बुद्ध के जीवन में बहुत पढ़ी है, सुनी, अंगुली मार है, बाकी कैसे हो जाता, मां मार आता कैसा हो जाता, बहुत कथाएं बुद्ध के जीवन में है। बुद्ध का शत्रु कोई नहीं, बुद्ध निर्वैर युद्ध लड़ता है। कबीर कैसे है, बुद्ध के लगभग एक 2500 वर्ष बाद कबीर पैदा होता है। 2000 वर्ष के बाद फिर समाज में ऐसी विकृति, समस्या, कठिनाई, कष्ट खड़ा हो गया, कबीर आया। और कबीर एक ऐसा संत रिफॉर्मर है, वो लाठी टेक करके पूछता है, क्यों नहीं बताओ ना, तुम जन्म से बड़े और हम जन्म से छोटे कैसे हुए। बुद्ध के बाद कबीर एक ऐसा रिफॉर्मर खड़ा होता है जिसके प्रश्न सुनकर तिलमिला जाता है सामने वाला, उत्तर नहीं सूझता। वो पूछता है, गंगा स्नान अगर पवित्र होते हैं तो ये पत्थर पड़ा है गंगा जी में, ये मेढक पड़ा है गंगा जी में, सब बैकुंठ को जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल तुरंत उत्तर तो नहीं सूझता। बुद्ध राम का भक्त है, बुद्ध उन्हें कबीर राम का भक्त है, कबीर आध्यात्मिक है, कबीर धार्मिक है, लेकिन कर्मकांडों पर जोर से प्रहार करता है, एक नई चेतना लाता है, बगावत करता है कर्मकांडों से प्रेरित व्यवस्थाओं के ऊपर। ऐसे लोगों को वाणी देता है, इनकी वाणी शांत है, ऐसे लोगों को मंच देता है, इनको कोई मंच नहीं है, ऐसे लोगों को आत्मविश्वास देता है जो बेचारे आत्मविश्वास से शून्य है। डॉक्टर कहते हैं शरीर मेरा दूसरा गुरु है, और महात्मा बोले इसी शताब्दी में उनसे थोड़ा पहले हो गए थे। महात्मा बोले एक शूद्र परिवार में थे, तो कहते दूसरा मेरा गुरु महात्मा फुले है, जो अंग्रेजी में पढ़ता है लेकिन धर्म की नई व्याख्या करता है, धर्म को छोड़ता नहीं है, धर्म को गाली नहीं देता, धर्म को सुधारवादी रूप में लाता है, एक कर्म कांड जाति व्यवस्था का सबका विरोध करता है और नए रूप में ही पुराने ग्रंथों को लाने की कोशिश करते हैं। उनका नाम महात्मा फुले है। लड़कियों की शिक्षा क्यों नहीं करो ना, और ये डॉक्टर साहब ने अपने सामने जो आदर्श गुरु रखे जिनसे उन्होंने प्रेरणा पाई, ये तीनों लोग थे। उनके प्रेरणा के स्रोत भारत के बाहर नहीं थे, ये अपने को पक्का करना चाहिए, और उन्होंने इन बातों को बार बार अपने जीवन में स्थान स्थान पर लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है, बचपन में मैं छोटा था तो मैं कक्षा 8 पास किया था, तब मेरे को भगवान बुद्ध की एक छोटी सी जीवनी मेरे अध्यापक केलुस्कर जी ने दी थी, वो तो मैंने पढ़ी तो मेरे को ध्यान में आया एक जीवन ऐसा है जिसको देख करके आगे चला जा सकता है। वो बुद्ध की छोटी सी जीवनी उनको दी, वो श्री कृष्ण अर्जुन केलुस्कर करके उनके अध्यापक थे, योगा योग से वे ब्राह्मण थे। तो अम्बेडकर एक दूसरा स्मरण करते हैं, मैं छोटा था तो मेरा नाम तो ये अम्बेडकर नहीं था, मेरा नाम सतपाल था, मेरे को एक अध्यापक ऐसे मिल गए जिन्होंने मेरे पिताजी को बातचीत की, और अध्यापक ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई देखो राम जी, ये बालक का नाम मैं थोड़ा बदल दूं, कोई आपत्ति तो नहीं, मैं इसके नाम क्या क्या अम्बेडकर लिख देता हूं, अम्बेडकर ब्राह्मणों का नाम है, अरे कहीं भी जाएगा तो ब्राह्मण के नाम से को तत्काल इसको विरोध चाहे नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मानकर मेरे गुरु ऐसे थे, वो ब्राह्मण ही थे, उन्होंने अपना नाम मेरे को दे दिया। अच्छे मुझे एक तीसरे गुरु मेरे पेंसिल साहब थे, मैं कभी कभी भीग जाता था, बरसात में आ जाता था तो भीगा हुआ मैं आया तो अपने घर से गर्म कपड़ा, गर्म खाना, गर्म पानी मंगा करके मेरे को देते थे, मेरी चिंता करते थे। ऐसे पेंड से सब हो गए कि योगा योग से ब्राह्मण ही थे,
जब मैं पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं था तो कृष्णा जी केलुस्कर जो मेरे शिक्षक थे वो मेरे को बड़ौदा के राजा साहब के पास ले गए, उन्होंने उसको फेलोशिप दिलवाया, विदेश भेजा। बार बार मेरे को पत्र व्यवहार से मेरे को प्रोत्साहित करते रहते थे, वे कृष्णा जी केलुस्कर ब्रह्म नहीं थे। और जब एक महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने की और महाविद्यालय में एक अच्छा प्रधानाचार्य था तो अश्वत्थाचार्य बल्लाचार्य गजेंद्र गढ़कर एक अच्छे प्रधानाचार्य को लेकर के आ गए, तो अंबेडकर जी के साथ ही बीए पास किए थे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट पोजिशन होल्डर थे वे। तो लोगों ने कहा अरे अंबेडकर जी देखिए अंत में आप फिर ब्राह्मण को लिया है प्रिंसिपल बनाकर। तो अंबेडकर जी ने कहा नहीं मैं ब्राह्मण को नहीं लाया, मैंने योग्य व्यक्ति प्रधानाचार्य के रूप में चयन करके लाया। मेरा कहने का भाव यह है एक और एक वर्ग ऐसा समाज के लिए दुख देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है, अपमान करता है। एक वर्ग ऐसा है जो हर समय को खराब देखता है, साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि समाज में सब लोग एक से नहीं है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत खराब मानसिकता में जी रहे हैं, उनकी मानसिकता बदल रही। मेरा कहने का भाव है ये उनका जीवन जो है अनेक बातों को हमारे सामने रखता है और हम लोग कुछ वैचारिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उनके जीवन में राष्ट्र को एक महत्व है, राष्ट्र का एक दर्शन उनके जीवन में है। वे कहते हैं राष्ट्र एक जीवंत आत्मा है, एक केवल भूगोल राष्ट्र नहीं होता, एक जमीन का टुकड़ा राष्ट्र नहीं होता, इसके लिए वो समाज चाहिए जो समाज हजारों वर्षों से एक लगाव मानता है, जिस समाज के मन में पूर्वजों के प्रति एक अच्छी धारणा है, पूर्वजों की महान परंपराओं को लेकर के जो गर्व करता है, भविष्य के लिए कोई ना कोई अच्छी योजना बनाता है, भूतकाल का यशगान और भविष्य की सुंदर महान कल्पनाएं लेकर के समाज इस भूमि पर जीता है, तब एक राष्ट्र बनता है, केवल जमीन के टुकड़े से राष्ट्र नहीं बनता। और उन्होंने अपना एक जो एक रिसर्च पेपर लिखा था एंशियंट इंडियन कॉमर्स विद्यार्थी का, उसमें भारत का जो वर्णन करते हैं उसके तीन आयाम में आपके सामने रखूंगा। तो कोई एक देशभक्त अपने देश के बारे में कैसा वर्णन करता है तो अंबेडकर जी का मन अपने को ध्यान में आएगा। मैं उसी पैराग्राफ को आपके आपको पढ़ करके सुना रहा हूं कि भारत कैसा है, भारत कैसी है। तीन मुद्दों में तीन बातों की चर्चा में अलग अलग करते हैं, एक में करते हैं भारत का भूगोल कैसा है, एक में कहते हैं भारत का फ्लोरा फौना और यहाँ का नेचुरल रिसोर्स कैसा है, और तीसरे में कहते हैं भारत का सांस्कृतिक एकता का भाव कैसा है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुनिए। इंडिया जियोग्राफिकल पोजिशन जस्ट फिटेड हर टू बी द अर्ली क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, भारत इस धरती की प्रारंभिक सभ्यता का पालना है। नेचर हैज गिवन हर दैट हैज बीन द एनवाय ऑफ मेनी ऑफ ट्राइबल पीपल हु आर एवर इन सर्च ऑफ अ सिक्योर एबोड टू डेवलप देयर कैपेसिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ नेचर्स गिफ्ट्स। सीवर्ड फ्रॉम चाइना एंड टिबेट ऑन द नॉर्थ बाय द हिमालयन माउंटेन्स, ऑन द ईस्ट from Burma and Assam by the Tenasserim ranges, and on the west from Afghanistan by the Karakoram Hindu Kush ranges, the entire peninsula forms a world in a miniature in itself. वो कहते हैं उत्तर में चाइना और तिब्बत से इधर, इधर म्यांमार बर्मा से इधर, इधर अफगानिस्तान से इधर, ये समुद्र के ऊपर एक छोटा सा दुनिया बना लेता है, ये मेरा भारत है। The entire peninsula forms a world in miniature in itself, formed by strong natural defenses. प्रकृति ने इसको कितनी सुरक्षा प्रदान की है? The mountains forming a wall on the northwest, and the sea a moat on all other sides. कैसा प्रकृति ने तीन तरफ से बड़े-बड़े पहाड़ों से और नीचे समुद्र में इसको सुरक्षित रखा है। कोई देशभक्त बालक ही ऐसा अपनी मातृभूमि का वर्णन कर सकता है आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व। अब यहाँ की जो फ्लोरा फौना जो डाइवर्सिटीज है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ बॉक्सर लिखते हैं। दिस इन्वर्टेड ट्राइंगल
conserves the most varied and the most abundant of natural resources. Animal life is not only abundant in British India, but it is remarkably varied. The number of kinds of animals inhabiting India and its dependencies is very large, for surpassing, for instance, that of the species found in the world of Europe, although the superficial area of Europe exceeds that of the Indian Empire by about one half. सारे यूरोप में इतना विविधता मिलती है जैविक दृष्टि से या भारत में है. Equally in a rich diversity of flora and fauna and her climate that makes possible the existence of such variegated animal life. The richness of vegetable life is immemorial, combined to bestow upon her the economic self-sufficiency, which has been the privilege of a few nations on the face of this planet today. वो कहते हैं दुनिया में कोई बिरला ही देश होगा जिसके पास इतना सामर्थ्य, इतना वैविध्य, इतने नेचुरल रिसोर्सेज, इतना प्लांट एंड एनिमल किंगडम होगा. ये दो बात है. अब तीसरी बात कहते हैं, ये तो ठीक है लेकिन भारत एक है. वो कहते हैं विविधता दिखती है, इस विविधता को, डाइवर्सिटी को आप ऐसा मत मानिए ये कोई खंड खंड है. नहीं, वो कहते हैं रंग रूप में लोग अलग दिखते हैं, कद काठी में लोग अलग अलग दिखते हैं, भाषा बोलने में अलग दिखते हैं, लेकिन कहते हैं इस देश में एक फंडामेंटल यूनिटी है. जो फंडामेंटल यूनिटी है वो केरल से लेकर पंजाब को बांध करके रखती है, महाराष्ट्र गुजरात से लेकर के आसाम तक इस देश को एक रखती है. वो कहते हैं यूनिटी का मतलब ये नहीं होता सबको मिला करके एक कर दो. यूनिटी का मतलब ये भी नहीं होता सब भाषा को समझ कर एक भाषा कर दो, ये नहीं होता. तो काश इन इंडिया में एक लेख में एक पैराग्राफ बड़ा सुंदर लिखते हैं, इट इज द यूनिटी ऑफ कल्चर दैट इज द बेसिस ऑफ होमोजेनाइटी. टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड आई वेंचर टू से that there is no country that can rival the Indian Peninsula with respect to the unity of its culture. क्या गजब का है? बोलते हैं सारी इस पृथ्वी पर कोई दूसरा देश इस देश की कल्चर फंडामेंटल यूनिटी से मेल कर ही नहीं सकता. इसका सादृश्य, इसका समानांतर कोई दुनिया में देश है ही नहीं. तो इतनी विविधताओं में इतनी मौलिक फंडामेंटल वैचारिक दार्शनिक यूनिटी डेवलप करके जी रहा है. वो कहते हैं इस यूनिटी का आधार अध्यात्म है, इस यूनिटी का आधार धर्म है, इस यूनिटी का आधार मानवीय संवेदनाओं की हजारों वर्षों की महान कल्पनाएं और साधनाओं की भाव भूमिकाएं हैं. और इसलिए कहते हैं मेरा देश आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक है. एक दूसरा एक वैचारिक अधिष्ठान जो मैं बताता हूं हमारे मित्रों को शोध करने के लिए प्रेरित करेगा. जो पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद उन्होंने विदेश में देखा, अंग्रेजों ने एक थ्योरी प्रोजेक्ट करी, एक हाइपोथेसिस क्रिएट की. जिस प्रकार से वे स्पेनिश लोग, पुर्तगीज लोग, ब्रिटिशर्स लोग, जर्मन थे और फ्रेंच थे, वे दुनिया के अनेक देशों में चले गए. उन देशों को उन्होंने गुलाम बनाया, उन देशों को कॉलोनी बनाया, उन देशों का एक्सप्लॉइट किया, वहां की सभ्यता संस्कृति सबको नष्ट किया, वहां की इकोनॉमी को नष्ट किया. ये ब्लैक स्पॉट इन सारे जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस और देश थे इनके माथे पर लगा हुआ है. इसको कैसे मिटाया जाए? मिटा तो सकते हैं. उन्होंने थ्योरी क्रिएट की, जैसे हम लोगों ने अमेरिका जीता, कनाडा ऑस्ट्रेलिया जीता, अफ्रीकन कंट्रीज जीते, भारत को भी जीता, ऐसे ही एक पश्चिम एशिया की जाति ने भारत पर कब्जा कर लिया था. वो लोग आर्य थे, आर्य लोगों ने भारत पर कब्जा किया था. ये थ्योरी क्रिएटेड है, ये मैनिपुलेटेड है, कॉन्कॉक्टेड है, ये आर्टिफिशियल है. बेसिक इंटेंशन वाज वेरी वेरीफाइड. अंबेडकर जी कहते हैं ये थ्योरी गलत है, न केवल गलत है, ये बुरी बुद्धि से, गलत बुद्धि से ये बनाई गई है. पहले सिद्धांत तो बना लिया गया आर्य श्रेष्ठ है, बाद में सिद्धांत बनाया गया कि कुरान देश के लोग आर्य कैसे हो सकते हैं, आर्य बाहर से आए.
लगा दिया या दक्षिण दिशा में भेज दिया, ऐसे हम लोग भी आ गए। भारत के लोगों के मन में छोड़ी पुर्जे टिकी गई, बैठा ली गई, आज बाहर से आए, आज इन्वेडर्स है। मित्रों, अंबेडकर पहले व्यक्ति हैं इस देश में, एक मोटा ग्रंथ ने कहा उमर शूद्र, शूद्र कौन थे, आर्यन इन्वेडर थ्योरी को रिजेक्ट करते उन्होंने लिखा। अंबेडकर जी लिखते हैं, आर्यों को वंश मानकर व्यवहार करना अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूल थी। ऋग्वेद में आर्य 33 बार प्रयोग हुआ है कि एक स्थान पर रेस के लिए प्रयोग नहीं हुआ। वो अंबेडकर कहते हैं वैदिक साहित्य में आर्य होने कहीं लिखा ही नहीं है, हम बाहर से आए, किसी भी वेद की एक भी ऋचा में एक शब्द भी तो कभी नहीं लिखा है, हम कहां से आए। वे हमेशा जाके नदियों का गान करते हैं, जाके भूमि का गान करते हैं, समुद्र का गान करते हैं, जाके परंपराओं को सम्मान के साथ देखते हैं। जब बाहर से आने की एक कहानी गढ़ी गई क्योंकि वे दंभ में भरे हुए थे, और ये आर्य श्रेष्ठ है और यूरोप से आ गए, और इसको लेकर के बहुत बड़ा ग्रंथ अंबेडकर ने लिखा है और सैकड़ों उस पर उन्होंने उदाहरण लिखे हैं। लिखते आर्य वंश का सिद्धांत इतना मूर्खतापूर्ण है, इसको तो बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था, पर समाप्त होना तो दूर, इसने लोगों के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। अंबेडकर जी कहते हैं पहले तीन ही समूह थे, ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय, शूद्र थे ही नहीं। ये ऋग्वेद के दशम मंडल में अंतिम मंडल में पहली बार आए और अनेक उदाहरण देकर के उन्होंने कहा है एक समय ऐसा आ गया जब ब्राह्मणों में क्षत्रियों में थोड़े झगड़े खड़े हो गए, वो आपस में लड़ रहे थे। तो वेद राजा था, उसने ब्राह्मणों को बहुत गाली दिया, वो पुरोहित था, उसने ब्राह्मणों की संपत्ति लूट ली, जो निमि था उस निमि ने तो अपने पुरोहित को भगा दिया, और सुदास ने वशिष्ठ को हटा करके वशिष्ठ के लड़के को जिंदा जला दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देते हैं। बाद में अंबेडकर लिखते हैं एक युग ऐसा आ गया होगा इन ब्राह्मण लोगों में से कुछ लोगों ने क्षत्रियों के यज्ञोपवीत कराने बंद कर दिए, और जिनका यज्ञोपवीत बंद हो गया ब्राह्मण गुस्से में थे, क्यों ब्राह्मणों को भी उन लोगों ने बहुत कष्ट दिया था। शूद्र राजा थे, शूद्र क्षत्रियों का एक समूह था, वो राजा थे, और शूद्र सुदास राजा था वो शूद्र था, ऐसे कई राजा शूद्र थे। तो कुछ लोगों ने इन शूद्र क्षत्रियों का यज्ञ कोई बंद कर दिया, यज्ञ कोई बंद करने से वो यज्ञ नहीं कर सकते थे, वो गुरुकुल में नहीं जा सकते थे, वो संपत्ति भी नहीं रख सकते थे। तो गुरुकुल में नहीं जाना, संपत्ति नहीं रखना, पढ़ना नहीं, सारे अधिकार धीरे 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 कम होते चले गए, किसी में हिम्मत नहीं थी। एक बार यज्ञोपवीत अगर रोक दिया कोई यज्ञोपवीत करा दे, यज्ञोपवीत यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं था, लेकिन यज्ञोपवीत नहीं होना यह अप्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। यज्ञोपवीत करने से अधिकार नहीं मिलता, लेकिन न करने से अधिकार छीन गया, और धीरे धीरे समाज एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे शिक्षा से संपत्ति से सामाजिक अधिकारों से वंचित होता चला गया। क्षत्रिय ही ये है जो भारत में शूद्र कहलाने लगे, और इसलिए इसके ऊपर उनका बड़ा थीसिस है, लेकिन मुझको दुख होता है कि इसके ऊपर कोई भी शोध बाद में जो अंबेडकर जी के अनुयायी है उन्होंने नहीं किया। अंबेडकर जी लिखते हैं पंजाब में चूहर नाम से शूद्र है, वहां पर पंजाब में जो है बड़े जाति के कहलाते हैं, उन दोनों का जो मेजर इंडेक्स है, सिर के अंदर का जो माप है वो बराबर है। महाराष्ट्र में महार शूद्र है, ब्राह्मण और मराठा और महारों का मेजर इंडेक्स बराबर है। तमिलनाडु पेरियार शूद्र है और पेरियार अय्यर लोगों का मेजर इंडेक्स बराबर है। कहते हैं कि गोत्र बराबर है, सारे के सारे गोत्र एक से। तो ये कह रहे ना आर्य बाहर से आए और आर्यों ने यहां शूद्रों का निर्माण कर दिया, ये बेसिकली रॉन्ग, आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये मौलिक रूप से गलत है। एक वैचारिक पक्ष उन्होंने एक बड़े शोध के साथ, जैसे कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है ऐसे रखा। एक अन्य बात, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा भाषा के आधार पर प्रांत रचना ठीक नहीं, क्या आवश्यकता है तेलुगु भाषा के सब लोगों को इकट्ठा करके एक प्रांत में लाने की,
क्या आवश्यकता है हिंदी भाषी या मराठी भाषी सारे लोगों को इकट्ठा करके एक प्रांत बनाने की? क्या हम संघर्ष करने वाले हैं? एक भाषा भाषी का एक प्रांत, ये समझ में आता है, लेकिन एक प्रांत में एक ही भाषा भाषी नहीं। उनका कहना यह है एक ही भाषा भाषी होकर अनेक प्रांत हो सकते हैं। वे मराठी भाषा भाषी है, दो तीन चार प्रांत बना दो। तेलुगु तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, दो तीन प्रांत बना दो। सारे जितने भी एक भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करके एक प्रांत बनाना उचित नहीं है, इससे खतरा है। भविष्य में नई नई छोटी छोटी नेशनलिटीज बनने का खतरा पैदा होता है। और जब कहते हैं मैं भले मराठी भाषी हूं, मराठी भाषियों का एक प्रांत बने इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता, ये उचित नहीं, गलत है। आर्य में कहते मैं मराठी भाषी हूं, लेकिन ध्यान में रखो देश की केवल एक मात्र भाषा ऐसी है सारे देश को जोड़ सकती है और प्रत्येक प्रांत को पढ़ना चाहिए, वो हिंदी है। और ये सारा देश जितना जल्दी हिंदी सीख ले उतना अच्छा है। इन भाषाई प्रांत रचना के ऊपर अंबेडकर जी का विषय आज भी शोध के लिए खुला है। विदेश नीति पर वो बोलते हैं, जब हम स्वतंत्र हुए दुनिया में हमारा कोई शत्रु नहीं था। एक दो तीन वर्षों के अंदर क्या हो गया? कश्मीर वाले विषय पर हमारा समर्थन करने वाला युवाओं में एक देश भी नहीं मिलता। क्यों हमने तिब्बत को खो दिया? सारी दुनिया में हम अकेले क्यों पड़ गए? हम सबसे झगड़ा कर रहे हैं, हमारा कोई भी साथी नहीं हमारे साथ। विदेश नीति के ऊपर उन्होंने अच्छा बोला। और जब भारत 370 का प्रश्न आया तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को पार्लियामेंट में कहा, पार्लियामेंट नहीं पार्लियामेंट के बाहर कहा, तुम क्या चाहते हो? भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों को पूरे भारत में समान अधिकार हो, और भारत और भारतीयों को तुम कश्मीर में कोई अधिकार नहीं देना चाहते। मैं भारत का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल नहीं हो सकता। 370 के ऊपर हिंदू कोर बिल के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो गोला लिखा है वो महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं सारे देश भर में तो ईसाई मुसलमान पारसी और यहूदी, इन चार को छोड़कर, ईसाई मुसलमान पारसी और यहूदी इन चार को छोड़कर ये चारों बाहर से आए समूह हैं, शेष सभी को हिंदू कोर बिल में लाना होगा। मास्टर तारा सिंह ने कहा नहीं हम सिख है, तो मास्टर तारा सिंह को अंबेडकर जी ने कहा सिख है तो क्या खास बात है बताइए? गुरु नानक देव ने सिख गुरु ने सिखों के लिए कोई अलग तोड़ दिया था? कोई अलग सिविल लॉ तुम्हारे लिए बनाया था सिख गुरुओं ने? वो तो नहीं बनाया, तो आप हिंदू कोर बिल में ही आएंगे। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध ने भी अलग से कोई सिविल कोड नहीं बनाया। और जो जैन है भरत है सिख है शैव है वीर शैव है रैदास है कबीर पंक्ति है, या वे लोग जो किसी भी मत को नहीं मानते इस देश में रह रहे हैं वे सब हिंदू कोर बिल में ही आएंगे। और मित्रों आप लोग जानते हैं हिंदू कोर बिल में सब लोग आते हैं, ईसाई पारसी यहूदी और मुसलमान को छोड़कर हिंदू कोर बिल सब पर लागू होता है। अर्थात इन चार को छोड़कर रहने वाला जो भी समाज है इस देश में वो हिंदू कोर बिल के अंतर्गत ही आता है। वे कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता हूं। जो कहते थे आप आजादी की लड़ाई में भाग क्यों नहीं लेते? अंबेडकर जी का कहना था मैं लेना चाहता हूं और मैं ध्यान देना दिला देना चाहता हूं, मैं आप लोगों से अधिक ताकत से लड़ूंगा, मैं अपने साथ लाखों ऐसे लोगों को लेकर के आऊंगा जो आपसे ज्यादा ताकत से लड़ेंगे, लेकिन मुझको एक बार विश्वास तो दिलाओ कि आजादी के बाद हमारे लोगों को अधिकार मिलेगा कि नहीं, हमारे लोगों को आजादी मिलेगी कि नहीं। तो अंबेडकर जी कहते हैं 26 अप्रैल 1942 मुंबई की एक मीटिंग में, यू आर फाइटिंग फॉर स्वराज, I am ready to join you and I may assure you that I can fight better than you. I make only one condition. Tell me what share I am to have in the Swaraj. If you do not want to tell me that and want to make up the British behind my back, hell on both of you. अब तब उनका कहना है कि आजादी की लड़ाई तो मैं चाहता हूं, ये देश जल्दी जल्दी स्वतंत्र हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे लोगों को आजादी नहीं देंगे, उनको भी आजादी मिलनी चाहिए। मित्रों बहुत अच्छा भाषण उन्होंने अंतिम अपने
जो स्पीच है पार्लियामेंट वो असेंबली में उस पर दिया है, एक कितना भावपूर्ण भाषण होता है, कोटा रोम रोम में जिसको देशभक्ति है वही ऐसा भाषण दे सकता है। एक दो तीन पॉइंट उन्होंने कहा है, हम अब स्वतंत्र हो रहे, हम अपना संविधान लागू कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखो क्या हम पहले स्वतंत्र नहीं थे, हमारी स्वतंत्रता छीन क्यों गई, हम बार बार गुलाम बने क्यों, हमारे अंदर के लोग ही दुश्मनों से जाकर के मिले थे, हमारे लोग बिक गए थे, हमारे लोगों के मन छोटे हो गए, देश के बारे में उनका चिंतन गड़बड़ा गया, और जो 26 जनवरी को हम आजाद हो जाएंगे उसके ऊपर भाषण दे रहे हैं 25 नवंबर 1949, बहुत भावपूर्ण भाषण का अंतिम भाषण है संविधान सभा में, और January 26, 1950 इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, व्हाट वुड हैपन टू हर इंडिपेंडेंस, वो प्रश्न पूछते हैं, विल शी मेंटेन हर इंडिपेंडेंस और विल शी लूज इट अगेन, दिस इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माय माइंड, इट इज नॉट दैट इंडिया वाज नेवर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, द पॉइंट इज दैट शी वंस लॉस्ट द इंडिपेंडेंस शी हैड, विल शी लूज इट अ सेकंड टाइम, इट इज दिस थॉट व्हिच मेक्स मी मोस्ट एनेक्सियस फॉर द फ्यूचर, what perturbs me greatly is the fact that not only India has once become lost before lost our independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of our own people. अपने ही देश के देशद्रोहियों के कारण से ये देश अनेक बार अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। अब ये 5 उदाहरण देते हैं संविधान सभा के अंतिम भाषण में, इन द इन्वेजन ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम, the military commanders of King Dahar accepted bribes from the agents of Muhammad bin Qasim and refused to fight on the side of their king. ये ताहिर के जो सेनापति थे वे रिश्वत ले लिए। It was Jaichand who invited Muhammad Ghori to invade India and fight against Prithviraj and promised him the help of himself and the Solanki kings. When Shivaji was fighting for the liberation of Hindus, the other Maratha noblemen and the Rajput kings were fighting the battle on the side of Mughal emperors. When the British were trying to destroy the Sikh rulers, Gulab Singh, their principal commander, sat silent and did not help to save the Sikh kingdom. In 1857, when a large part of India had declared a war of independence against the British, the Sikhs stood and watched the event as silent spectators. Will history repeat itself? उन्होंने 5 उदाहरण दिए। 1857 में सिख शांत खड़े रहे, जब सिखों का और ब्रिटिशर्स का युद्ध चल रहा था तो गुलाब सिंह चुप बैठ गया, शिवाजी और मराठा सेना लड़ रही थी मुगलों से तो राजपूत और कुछ मराठे मुगलों के साथ मिल गए, जयचंद जाकर के गौरी के साथ मिल गया, ताहिर के साथ के लोग और बिन कासिम से मिल गए, वो प्रश्न पूछते हैं विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा, नहीं, और पूछते इसकी गारंटी क्या है, क्या भारतीय लोगों के अंदर देशभक्ति है, क्या देशभक्ति बची रहेगी, क्या हमारे कास्ट और क्रीड में अपनी भाषा के चक्कर में देश के हितों को ऊपर रखेंगे या अपने हितों को ऊपर रखेंगे, ये प्रश्न उन्होंने संविधान सभा में अंतिम भाषण में पूछा है, बहुत मार्मिक प्रश्न है, वो पूछते हैं इट इज अ थॉट विच फिल्स माय It is a thought which fills me with anxiety. This anxiety deepened by the realization of the fact that in addition to our enemies in the form of castes and creeds, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed? Or will they place creed above to their country? I don't know. But this much is certain that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. अगर हमारी political parties अपने अपने हितों को अपने बिरादरी या जाति के हितों को देश के ऊपर रखेंगी तो पक्का बता रहा हूं ये देश दोबारा अपनी स्वाधीनता खो देगा। This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood.
मित्रों, ये अंतिम भाषण जो है डॉक्टर साहब का, आंखें खोलने वाला है। स्पष्ट कहा, ये देश कोई पहली बार स्वतंत्र नहीं हो रहा है। हम पांच बार ऐसे पांच में उदाहरण दिए और मैंने एक बार अपने ही देश के लोग अपनी स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए आगे आए, अपने हितों को उन्होंने अधिक महत्व दे दिया, अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को, अपने ईर्ष्या और द्वेष को, अपने अहंकार को मातृभूमि की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण माना। क्या ऐसा नहीं होगा? क्या पॉलिटिकल पार्टी अपने हितों के ऊपर देश का हित रखेंगी या देश के हितों के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हित रखेंगी? मेरे को संदेह होता है और मेरे को चिंता भी होती है। वे आगे कहते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कब होता है? तो हीरो वर्शिप शुरू हो जाता है, जब लोग किसी नेता को बहुत बड़ा मान लेते हैं। ध्यान रखो, एक व्यक्ति कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता है, उसको आप बिल्कुल देवता के रूप में पूजने लग जाए। और ये हीरो वर्शिप के ऊपर उनका बहुत बड़ा चैप्टर है। मेरी आपसे आप अपेक्षा है, मैं उसको ज्यादा नहीं लेता, आप लोग पढ़िए कि हीरो वर्शिप कितना हानिकारक है। वे कहते हैं, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए आप लोग क्यों आते हैं? मेरा जन्मदिन मनाने की आवश्यकता क्या है? मैं नहीं चाहता मेरा जन्मदिन आप लोग मनाओ। मैं अनेक वर्ष तुमको मना करता हूं, तुमको समझने क्यों नहीं आता है? बहुत डांटते अपने जन्मदिन पर, बाहर निकलते भी नहीं। यू आर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे फॉर सम 15 ईयर्स पास्ट, आई हैव नेवर अटेंडेड देम, आई हैव ऑलवेज बीन अपोज्ड टू देम। You have celebrated my golden jubilee now. Let that be enough. Let there be no more celebrations. वो कहते थे, नेता को इतना बड़ा मत बनाओ कि तुम बिल्कुल ही उसके ऊपर सब चीजें छोड़ दो। लोकतंत्र इससे जिंदा नहीं रहता, इससे तानाशाही आती है और तुम लोग असहाय से होकर के केवल देखते रहते हो। मित्रों, अंबेडकर का जीवन एक विशिष्ट प्रकार का जीवन है। बहुत कठिनाइयों, अभावों और अपमान में से पला और बड़ा एक व्यक्तित्व है, जिसका नाई भी बाल नहीं काटता, जिसको पानी पिलाने वाला पानी नहीं पिलाता, मंत्री होने के बाद भी कर्मचारी फाइल हाथ में नहीं देता, LLD LLM होने के बाद भी, DSC PhD होने के बाद भी धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता। ऐसा व्यक्तित्व जब खड़ा होता है समाज सुधार के लिए एक कमिटमेंट के साथ। प्रारंभ में बताया, बहुत अच्छे स्पीकर है, अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, अच्छे एकेडमिशियन, अच्छे प्रोफेसर भी है, अच्छे बैरिस्टर है, पार्लियामेंटेरियन है, कॉन्स्टिट्यूशंस का एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, नॉट नॉट। लेकिन अपने सारी क्षमताओं को एक और केंद्रित करके समाज में संघर्ष के बिना, अर्थात रक्तिम संघर्ष के बिना एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। और देश के जीवन में कभी कभी गुस्सा दिखता है, कभी कभी आक्रोश दिखता है, लेकिन समन्वय छूटता नहीं है। वो कहते हैं, गांधी जी का एक अलग रास्ता है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। एक गांधी जी चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो गांधी जी के प्रति श्रद्धावान भी बहुत है। और एक बार नेहरू जी को भी बोलते हैं, लेकिन नेहरू जी के साथ मिलकर सरकार भी बनाते हैं। अपना कहना कि मेरे को तो सत्याग्रह की प्रेरणा है, गीता से मिलती है, जय भवानी भी लिखते अपने पत्रों के ऊपर। लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं हिंदू होकर के मरना नहीं चाहता। एक गांधी जी को कहते हैं, गांधी जी मौका आएगा तो मैं कम से कम हानि करूंगा। और जब बौद्ध मत स्वीकार करते हैं तो बताते भी हैं, बौद्ध मत इसी देश की संस्कृति में से उपजा हुआ एक पौधा है, हम अलग नहीं है। तो मुसलमान बनाने के लिए अनेक लालच आते हैं, मुसलमान नहीं बनते। ईसाई बनाने के लिए लालच आते हैं, ईसाई भी नहीं बनते। कम्युनिस्टों को बहुत गाली देते हैं। अर्थात एक ऐसा व्यक्तित्व है जो संकट में भी घिलता नहीं, मार्ग को छोड़ता नहीं, डेविएट नहीं होता, अपमानित होने के बाद भी अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखते हैं, धैर्य रखते हैं, क्षमावान भी है। लेकिन समाज को ठीक दिशा देकर, देश को ठीक दिशा देकर, सावधान करते हुए शांत होकर चले जाते। मेरा इस विश्वविद्यालय के सभी शोधार्थियों, एकेडमिशियन से मेरा आग्रह है, उनको समग्रता में देखें, उनके विषयों पर समग्रता में रिसर्च होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज का मतलब ये नहीं है कि हम लोग द्वेष बढ़ा दें। अंबेडकर को ये कभी भी स्वीकार नहीं था। और जब अंबेडकर समुदायवादी है, सामंजस्यवादी है, बुद्ध के शिष्य है, कबीर के शिष्य है, वे महात्मा फुले के शिष्य है,
वे धर्म को प्राण मानते हैं, आत्मा मानते हैं, उनके मौलिक दर्शन को ध्यान में रखकर उनके जीवन के भिन्न भिन्न आयामों पर अगर हम शोध करेंगे तो शायद देश को सामंजस्य के साथ आगे बढ़ाने की बनेगी। मैं समझता हूँ मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। नमस्कार। बहुत सारे ऐसे पहलुओं से हमें अवगत कराया जो शायद हमें नहीं मालूम था। सत्र को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि कार्यक्रम का एक हमारा ट्रेंड चलाया है, मैं इस अकादमिक आयोजन की स्मृति स्वरूप विभाग की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। सर आगे आ जाइए, आगे सांसद जी को बुलाइए। राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी राजीव अग्रवाल जी का सम्मान करें। सर आजिए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी से अनुरोध है कि वे हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर एम के तनेजा जी का सम्मान करें। सर एक मिनट। तीनों को पकड़वा दिए सर आप भी ले जाए।